नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी और बेहद बुरी खबर इस वक्त आ रही है। अभी अभी देश में निधन हुआ है, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी बेहद भावुक हैं। 75 साल की उम्र में जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव का निधन। बेटी ने फेसबुक पोस्ट में लिखा, पापा नहीं रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव का निधन हुआ है। उन्होंने 75 साल की उम्र में अंतिम सांस ली है। शरद यादव को गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया था और वे दोस्तों पिछले लंबे समय से बीमार चल रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शरद यादव के निधन पर शोक जताया है। ट्वीट में प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, शरद यादव जी के निधन से बहुत दुख हुआ है। अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में उन्होंने खुद को सांसद और मंत्री के रूप में प्रतिष्ठित किया है, लेकिन अब उन्होंने दुनिया से अलविदा कह दिया है। तो बहुत ही बड़ी और बेहद बुरी खबर इस वक्त आ रही है। शरद यादव का आज दोस्तों निधन हो गया है, जिसके बाद पूरे देश में शोक की लहर है। कई अन्य नेताओं ने भी इन्हें श्रद्धांजलि दी है, साथ ही प्रधानमंत्री मोदी भी बेहद भावुक हैं। आप सभी दोस्तों से विनती है कि कॉमेंट बॉक्स में ओम शांति ओम जरूर लिखें।